राजेश ठाकर साहब, ये जो बात बार बार आम आदमी पार्टी को लेकर कही जा रही है, और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इसी पर निर्भर करता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा होता है। अगर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की सीटें बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, और अगर नहीं अच्छा कर पाते जैसा कि गोवा और उत्तराखंड में किया, कम से कम उत्तराखंड में तो तमाम हाइप के बावजूद 3% ज्यादा वोट नहीं मिले, गोवा में भी 6% ज्यादा वोट नहीं मिल पाए, बहुत हाइप था वहां पर। तो आपको क्या लगता है जमीन पे क्या दिखाई पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या वो वाकई कांग्रेस को रिप्लेस करती दिखाई पड़ रही? देखिए 3% तो स्थानीय स्वराज के जो चुनाव हुए हैं उसमें ही आम आदमी पार्टी ने अर्जित कर लिए। शीतल जी आप अपने काम म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। गांधीनगर के जो लोकल चुनाव हुए उसमें 22% वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी ने वहां पर लिए थे। तो 15 लाख वोट स्थानीय स्वराज के चुनाव में जब उनका बिल्कुल संगठन नहीं था, इतना मोमेंटम नहीं था, गुजरात के अंदर इतने एग्रेसिवली केजरीवाल कैंपेन करेंगे किसी को पता नहीं था, तभी जो है वो आम आदमी पार्टी ने अर्जित कर लिया था। जो बात हो रही है वोट शेयर की, तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर अर्बन सीट्स की जो मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी के, उस मार्जिन को निकाल दो तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका जो वोट शेयर है उसका अगर एनालिसिस करोगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां से बच रही है। तो जो अर्बन एरिया है वो बिल्कुल सही बात है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए उनका जो कैंपेन है वो सौराष्ट्र कच्छ नॉर्थ गुजरात और दक्षिण गुजरात के अंदर ही रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जहां पर हम जीत रहे हैं वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जहां पर 2017 में हमने सीटें गवाई हैं वहीं से सीटें हमें वापस लानी है। तो आम आदमी पार्टी नॉर्थ गुजरात में भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, उनका जो फोकस है वो भी सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात और कुछ कुछ सीटों पर मध्य गुजरात में है। और जैसे बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी ये पहला चुनाव बिल्कुल गंभीरता से लड़ रही है, तो वो सत्ता में आने की बात तो सभी लोग बोलेंगे ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में जाएगी तो अभी यही कहेंगी कि हम सत्ता बनाने वाले हैं। लेकिन उन लोगों ने भी 50 या 55 सीट्स ऐसी है जहां पर फोकस किया है, और वो फोकस इसीलिए है कि उनको रिप्लेस जो करना है विपक्ष को करना है, और जनता के अंदर एक परसेप्शन है कि दिक्कतें हैं समस्याएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ सके ऐसी कांग्रेस यहाँ पर बची नहीं है। तो जो लोग हैं उनका रुझान धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की ओर गया। दूसरी बात ये, उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे, जो लक्ष्मी जी वाली बात आई वो भी काउंटर इसलिए करना पड़ा कि जो रातों रात हिंदू हित रक्षक समिति बनाकर पूरे गुजरात के अंदर होर्डिंग चढ़ा दिए गए अरविंद केजरीवाल को टोपी पहनाकर, तो उसका काउंटर करने के लिए केजरीवाल ने उनसे बड़े हिंदू बनने की कोशिश की, और वो करने के बाद वो जो हिंदू वाली खेल थी वो आम आदमी के साथ पार्टी के साथ बंद हो गई। अब से 10 दिन पहले हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता और नेता टारगेट कर रहे थे, अब धीरे धीरे उन्होंने ये लाइन बदल दिया है, वो समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को टारगेट करने से आम आदमी पार्टी बड़ी होगी, और वो बड़ी होगी अगर जो बात हो रही है 20% तक, हम ये देख रहे हैं कि 10-12% तक अगर आम आदमी पार्टी ले जाती है तो भारतीय जनता पार्टी 130-135 सीट्स ले जाएगी। अगर ये वोट शेयर 20% से ऊपर गया तो ये जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी ग्रामीण सीट्स है, क्योंकि सेमी अर्बन जितनी भी नगर निगम है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और आम आदमी पार्टी भी ग्रामीण क्षेत्र में ये सेमी अर्बन सीट्स है वहां पर ही प्रभावी है, तो वहां से जो वोट जाएंगे वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के वोट जाएंगे, और वहां का जो मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी का वो 23 सीट्स ऐसी है जिसमें 5000 वोट से कम है। तो ये अभी बोल देना कि 2-4 होने वाले हैं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आप सौराष्ट्र और कच्छ में कांग्रेस का नुकसान देख सकते हैं, लेकिन दक्षिण गुजरात जो सूरत की सीट से साथ उसमें तो कांग्रेस है ही नहीं, उसमें बिल्कुल उनका प्रभाव नहीं है वहां की जो अर्बन सीट्स हैं वहां, और वहां आम आदमी पार्टी की अगर कल आप अल्पेश कथीरिया की जनसभा देखे और इसके सामने नरेंद्र मोदी की जनसभा को कंपेयर करिए तो 3 गुना ज्यादा जो जनसैलाब था वो एक ऐसा चेहरा कि जो राजनीति के अंदर आया ही 10 दिन पहले। उसके बाद वराछा का एक रोड शो था उसका अगर आप विजुअल देखें, और फिर आज की जो जाम खंबालिया की सभा में अमित शाह के साथ जो हुआ, कल धोराजी की सभा में जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ उसको देखें, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो
हो सकता है कि कांग्रेस से ज्यादा 70% कांग्रेस से शिफ्ट हो रहे हैं वोट, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को एक एक ऐसा भी लोग समझ रहे हैं कि एक बार अब इन लोगों को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा कहने वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले भी अभी ये कह रहे हैं। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को अगर आप पूछो तो भी वो अभी ये क्वेश्चन बना के रखा है कि इस बार क्या होगा पता नहीं चल रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं। तो ये वोट है वो कहाँ किससे पॉकेट से जा रहा है अभी किसी भी लोगों को पता नहीं है। अगर जैसे संजय जी बोल रहे हैं, अगर 20% से ऊपर आम आदमी पार्टी वोट शेयर ले जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि वो दोनों का नुकसान है। अगर 10-12% के बीच में आम आदमी पार्टी रहती है तो 130-135 भारतीय जनता पार्टी आराम से ले जाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।